फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग बनाएंगे रवा ब्रेड पिज्जा। रवा ब्रेड पिज्जा के लिए हमें सबसे पहले चाहिए ब्रेड, रवा। रवा को हम लोग सूजी भी बोल देते हैं। और ये हमारी है मलाई, फ्रेश क्रीम है जो हम लोगों के घर पे जो अवेलेबल है। उसके बाद फाइनली चॉप्ड हमें अनियन चाहिए, कोरिएंडर लीव्स, धनिया पत्ती। और उसके बाद हमारे पास है टमाटर, शिमला मिर्च, नमक, मिर्ची, जिंजर गार्लिक पेस्ट। और ये हमारे पास हरी मिर्ची फाइनली चॉप्ड। और ये है हमारे मीठा नीम, ठीक है। और हमें तेल उसको ग्रीसिंग करने के लिए चाहिए। चलो फ्रेंड्स, हम लोग चलते हैं अब इसका पेस्ट बनाने की तरफ। और सारी वेजिटेबल्स जो है हमारी, हम लोगों ने वो सारी की सारी डाल ली। और धनिया पत्ता मैंने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल लिया। आप जैसे डालना चाहो वैसे डाल सकते हो। और इतने पेस्ट के अंदर मैंने जो है इतनी क्वांटिटी है ना, इसके अंदर मैंने तीन चम्मच जितनी ये अपनी रवा सूजी और 2.5 चम्मच जितनी क्रीम डाली थी। और 1/2 चम्मच जितनी मैंने इसके अंदर मिर्ची डाली है, लाल मिर्ची पाउडर। और 1/2 चम्मच जितना की ये हमने क्या किया है, नमक डाला है इसके अंदर। ये हमारा और जिंजर गार्लिक पेस्ट भी डाला है 1/2 चम्मच जितना। ये पेस्ट हमारा बिल्कुल रेडी है। इसी कंसिस्टेंसी में हमें इसको रखना है। अब ये बन गया। एक पे हम लोगों ने ये ब्रेड पे पेस्ट लगा लिया। अभी मैं मिलती हूँ आपको सारी ब्रेड पे पेस्ट लगाने के बाद। और ये सारी ब्रेड हमारी रेडी है पेस्ट लगने के बाद। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप पे। और ये हमारा सारे ब्रेड पे पेस्ट लग गया है। पहले सबसे पहले हम लोग अपने तवे को ग्रीस करेंगे। एक ब्रेड लेंगे और इसको इस तरीके से जिस तरीके से भी आपको कंफर्टेबल लगे आप उस तरीके से तो रख दो। जो हम लोगों ने उल्टी रखी है इसके ऊपर भी ऑयल लगा देंगे। आप लोग इसकी साइड जो है चेंज करते रहो। ये देखो अब नहीं उतर रही ना वेजिटेबल्स। जब स्टार्टिंग में डालते हैं ना तब एक बार ये इसमें ऑयल जो है बनता है मलाई से और इसकी वेजिटेबल्स जो है लूज होती है। बट जैसे जैसे आप, अगर ये गिर भी रही है ना, कोई उठा के आप इसके ऊपर वापस से लगा सकते हो, कोई भी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। बड़ा अच्छा बनता है। देखा, सुन रहे हो कितना क्रिस्पी लग रहा है। बड़ा क्रिस्पी रवा ब्रेड पिज्जा हमारा जो है बिल्कुल रेडी होने वाला है। और ये हमारा ब्रेड पिज्जा जो है बिल्कुल रेडी है। ऊपर से बिल्कुल क्रिस्पी और ये साइड से सॉफ्ट भी है और हल्का हल्का क्रिस्पी भी है। और हमारा ब्रेड पिज्जा जो है, रवा ब्रेड पिज्जा बिल्कुल रेडी है। आप इसकी देख सकते हो क्रिस्पीनेस कितनी है। और इधर से ये बिल्कुल सॉफ्ट भी है और हल्का हल्का क्रिस्पी भी है। इसकी क्रिस्पीनेस बहुत क्रिस्पी है। और हमारा ब्रेड पिज्जा रवा बिल्कुल तैयार है। आप इसको देख सकते हो कितना बढ़िया लगता है ये खाने में। बच्चों को, बड़ों को, कोई भी शाम के नाश्ते में हम लोग बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत टेस्टी और बहुत इजीली हम लोग इसे बना सकते हैं। घर पे हमारे पास जो जो अवेलेबल हो उन्हीं सबसे ये चीज़ बन सकती है। अगर आपने मेरी रेसिपी को फॉलो करके अगर आपने भी ये रवा ब्रेड पिज़्ज़ा घर पर बनाया हो तो मेरे को ज़रूर बताइएगा कि ये कैसा लगा आपको। और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में आके मेरे को बताना कैसा लगा ये। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए सो दैट आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके आपके पास आती रहे। टिल देन, बाय।